सियासी घटनाक्रम राजस्थान में चल रहा है उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं रणदीप सुरजेवाला होटल फेयरमाउंट में। सीधा आपको जयपुर लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नमस्कार दोस्तों, एक महत्वपूर्ण और संक्षिप्त वक्तव्य को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से आज आपके बीच में हम फिर उपस्थित हैं। पिछले 24 घंटे के घटनाक्रम ने एक बात स्पष्ट तौर से साबित कर दी है और कल की भारतीय जनता पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष पूनिया जी की पत्रकार वार्ता ने भी। भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान की चुनी हुई जनमत वाली कांग्रेस की सरकार को गिराने का षड्यंत्र अब औंधे मुंह गिर गया है। पिछले 24 घंटे में एक बात और साबित हो गई, भारतीय जनता पार्टी जो विधायकों की खरीद फरोख्त से षड्यंत्रकारी तरीके से राजस्थान की चुनी हुई कांग्रेस की सरकार को गिराकर राजस्थान की 8 करोड़ बहादुर जनता की असमत को चुनौती दे रही थी, वो अपने इस साजिश में फेल साबित हुई है। और कम से कम प्रथम दृष्टि से ये साफ है कि उन्होंने राजस्थान के जनमत के समक्ष हथियार डाल दिए हैं। इस परिपेक्ष में एक विशेष वक्तव्य के साथ मैं आज आपके बीच में उपस्थित हूं। हमारे युवा साथी सचिन पायलट जी और कांग्रेस के कई विधायकों को कई बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी ने आग्रह किया और कहा कि अगर आपका कोई वैचारिक मतभेद है मुख्यमंत्री जी से या किसी और व्यक्ति से, तो आप घर घर के अंदर बैठकर पार्टी की फोरम पर अपनी बात रख सकते हैं। हमारे साथी सचिन पायलट जी और हमारे साथी विधायकों को बार बार ये आग्रह किया गया कि आप वापस आइए और अपनी बात पार्टी की फोरम पर रखकर अपना मत रखिए, कोई समस्या है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व पूरे उदार हृदय से और खुले मन से आपकी बात सुनने और उसका हल निकालने के लिए तैयार है। हमारे युवा साथी सचिन पायलट जी और कई कांग्रेस विधायक जो आज मौजूद नहीं हैं, उनको हमने एक से अधिक बार कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आने का निमंत्रण दिया और ये कहा कि अगर आपको ये लगता है कि कांग्रेस विधायक दल का बहुमत आपके पास है तो आइए और विधायक दल में अपना बहुमत साबित कीजिए और जो अपना अधिकार है वो ले लीजिए। कांग्रेस विधायक दल की एक नहीं दो दो बैठक हमने बुलाई श्री सचिन पायलट जी को और हमारे युवा साथियों को और दूसरे विधायक साथियों को निमंत्रण दिया कि आप आइए और विधायक दल की बैठक में अपनी बात रखिए। मुझे खेद से कहना पड़ता है कि कांग्रेस नेतृत्व ने श्री सचिन पायलट जी को, जो एक होनहार युवा हमारे साथी हैं, उनको बहुत युवा उम्र के अंदर ही अनेकों पदों पर प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाया, सांसद से लेकर केंद्रीय मंत्री से लेकर चुनाव हार जाने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से लेकर और उसके बाद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तक लगभग 14-15 साल के ही अंतराल में श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी जी द्वारा हमारे इस युवा साथी को प्रोत्साहित करके कांग्रेस ने आगे बढ़ाया। ना कांग्रेस में और ना शायद भाजपा में ऐसा शायद ही कोई राजनीतिक व्यक्ति है जिसे उसके राजनीतिक दल ने इस प्रकार का प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाया हो। इन दिनों में भी, पिछले 5 दिनों में भी, श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी ने
और कांग्रेस नेतृत्व ने सारे दरवाजे खोलकर उदार हृदय से कहा कि घर का व्यक्ति अगर घर से भूलकर बाहर चला जाए तो वो परिवार का सदस्य रहता है, आप वापिस आ जाइए। कांग्रेस के शीर्षतम नेतृत्व ने आधा दर्जन बार, कांग्रेस कार्य समिति के दो दो वरिष्ठ सदस्यों ने एक दर्जन बार और श्री केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव एआईसीसी ने एक से अधिक बार उन्हें यह भी कहा कि ना केवल वापस आकर अपना पक्ष और अपनी बात रखिए, परंतु अगर आपकी कांग्रेस पार्टी में निष्ठा है, अगर आपको कांग्रेस से प्यार है, अगर आपका कांग्रेस में समर्थन है, तो जिस पांच तारा होटल में आप वहां हैं वहां बाहर जाइए और मीडिया को कहिए कि आपकी कांग्रेस में संपूर्ण निष्ठा है। दुर्भाग्य से इनमें से कुछ नहीं हो पाया और चार पांच दिन इंतजार करने के बाद एक भारी दिल से कल कार्यवाही की घोषणा हमें करनी पड़ी। आज फिर मीडिया के साथियों के माध्यम से हमने हमारे युवा साथी श्री सचिन पायलट का बयान देखा है, जिसमें उन्होंने मीडिया के साथियों के माध्यम से कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहते या नहीं जाएंगे। हम लगभग 10 साल इधर 10 साल उधर, हम सब हम उम्र साथी हैं। हम हमारे युवा साथी सचिन पायलट जी और विधायक कांग्रेस विधायक साथियों को कहेंगे, अगर आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहते तो फिर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार की मेजबानी फौरन अस्वीकार कीजिए। अगर आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहते तो मनोहर लाल खट्टर की भारतीय जनता पार्टी के सुरक्षा चक्र को तोड़कर जिनको आईटीसी ग्रैंड और लेमन ट्री होटल गुड़गावा के अंदर लगा रखा है, उनके चंगुल से बाहर आइए। अगर आपका भाजपा में नहीं जाना चाहते तो फिर ये दो होटल जो भारतीय जनता पार्टी के डिफेक्टर एमएलए का पिछले समय में भी अड्डा बन गए हैं और जहां कांग्रेस पार्टी के विधायक साथी इस समय हैं, उन सबको भाजपा की पुलिस, हरियाणा की भाजपा की पुलिस के चंगुल से मुक्त करवाइए। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से वार्तालाप और चर्चा बंद कर दीजिए और परिवार के सदस्य की तरह अपने घर वापस जयपुर लौट आइए। रास्ते से भटके हुए हर कांग्रेस विधायक को मेरी ये राय है कि परिवार के सदस्य को कभी वापस परिवार में आने से गुरेज नहीं करना चाहिए। मीडिया के माध्यम से वार्तालाप बंद कीजिए, अपने परिवार में वापस आइए, परिवार में बैठिए और परिवार में अपनी बात रखिए। यही पार्टी के प्रति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति सच्ची निष्ठा, आपके विश्वास और आपकी प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा सबूत होगा। धन्यवाद, नमस्कार। रंदीप जी, क्या वापस आने में वही जगह मिलेगी जो पहले थी? रंदीप जी, तो रणदीप सुरजेवाला ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सीधे तौर पर उनका यह कहना है कि अगर सचिन पायलट ये कहते हैं कि वो बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे तो वो घर लौट आए, सभी बागी विधायक भी घर लौट आए। उनका यह कहना है अगर वो कांग्रेस में लौटना चाहते हैं, अपने परिवार में वापस आना चाहते हैं, तो सीधा उन होटलों से बाहर निकले, मीडिया से मुखातिब हों, मीडिया के जरिए अपनी बात जनता तक और कांग्रेस तक, साथ ही हम तक पहुंचाएं, ताकि जो भी दरवाजे खुले हुए हैं वो उनके लिए खुले रहें और इस पूरी घटनाक्रम से पटाक्षेप, इसका पूरा घटनाक्रम का पटाक्षेप हो जाए, स्थिर सरकार कांग्रेस में रहे,
आपको बता दें कि सचिन पायलट के आज दो खास बयान आए। उनका कहना था कि वो बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे क्योंकि बीजेपी को हराकर वो जीते हैं, और दूसरा बयान उनका यह कहना था कि अशोक गहलोत से उनकी कोई निजी नाराजगी नहीं है, वो सिर्फ अपने विभाग के कामों को करवाना चाहते हैं, यही उनकी मांग है। और उसके बाद से अब जबकि सचिन पायलट के ये बयान आए हैं तो रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि आप बीजेपी का जो सुरक्षा चक्र है जो इस वक्त गुड़गांव में है, मानेसर में है, उन होटल्स में जो सुरक्षा चक्र है भाजपा की पुलिस का, उसे तोड़कर बाहर निकलें और अपने घर लौटाएं। एक तरह से आखिरी निमंत्रण कांग्रेस की तरफ से बागी विधायकों और उनके साथ ही सचिन पायलट को दिया गया है। करने के लिए बात की गई है, उसके पुख्ता सबूत उनके पास हैं। उनका कहना था कि सचिन पायलट युवा हैं, तकनीक से परिचय उनका अच्छा खासा है, सोशल मीडिया को साथ लेकर चलते हैं, ऐसे में वो उनसे ज्यादा अच्छे नेता हैं, लेकिन सोने की छुरी को कोई पेट में नहीं खाता। उनका कहना था कि उन्हें घर लौटकर आना चाहिए, और पूरे घटनाक्रम का दोष भी उन्होंने बीजेपी पर मढ़ा और यह कहा कि बीजेपी ने ही यह सब किया है, दिग्भ्रमित किया है उनके विधायकों को और उनको पैसे का लालच दिया गया है। और उनका यह भी कहना था कि पिछले 70 साल से कांग्रेस लोकतंत्र को देश में बचाती आ रही है और दिल्ली में बैठी बीजेपी सरकार लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है। मीडिया कर्मियों का भी उन्होंने इसमें साथ मांगा। और अब रणदीप सुरजेवाला ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें एक तरह से आखिरी आमंत्रण दिया गया उन बागी विधायकों और सचिन पायलट को जो इस वक्त दिल्ली में बैठे हुए हैं।